नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है, आज के विषय को मैंने कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न, भाषा क्या है। हम जिस माध्यम से दूसरों तक अपने विचार पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को समझते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाषा किसे कहते हैं, अब सवाल ये उठता है कि भाषा बनी किससे है। तो आपका सीधा सा जवाब होगा, वाक्यों से बनी है। बिल्कुल सही है। अब वाक्य किससे बने हैं, तो भई आपका जवाब शब्दों से बने हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, शब्द किससे बनते हैं। शब्द वर्णों से बनते हैं। बिल्कुल सही बेटा। अब सवाल उठता है कि वर्ण क्या होते हैं। उत्तर, किसी भी भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयुग्मा। बेटा, अब हमने इतना सब कुछ जो पढ़ा उस सब से हमने क्या जाना कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो अब यदि कोई तुमसे पूछे कि वाक्य क्या होते हैं, तो हम उल्टा चलेंगे कि वाक्य की सबसे छोटी चीज़ क्या है, वर्ण या शब्द। तो हम कह सकते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। पर मैंने इधर केवल शब्द नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो क्या अंतर है बच्चों शब्दों के समूह और सार्थक शब्दों के समूह में। सार्थक का मतलब है ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे जिनका कुछ मतलब होता है। ऐसे नहीं किसी भी शब्द को उठा के हम वाक्य कह दें। जैसे मान लीजिए मैं इकट्ठे कोई भी 10 शब्द बोल दूँ, मैंने बोला सोफ़ा, बोर्ड, टीवी, गाय, घास, चप्पल, जूता, चाहे मैं इकट्ठी इस तरह से 50 शब्द बोल दूँ, क्या ये वाक्य बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सार्थक शब्द, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ मीनिंग निकल रहा है और जिनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध है, ऐसे शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जाना कि भाषा, कोई भी भाषा, संसार की कोई भी भाषा, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, अंग्रेजी है या हमारी संस्कृत भाषा, कोई भी भाषा किससे बनी है, वाक्यों से बनी है। वाक्य किससे बने हैं, शब्दों से बने हैं, और शब्द किससे बने हैं, वर्णों से बने हैं। और वर्ण क्या है, किसी भी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। इतना समझ आया होगा। अब बेटा, वाक्य में कर्ता और क्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक चीज़ और मैंने कई बार देखा बेटा, बच्चों को ये नहीं समझ आता कि शब्द और पद में क्या अंतर है, और कहीं शब्द लिखा होता है, कहीं पद लिखा होता है। जब मैं बच्चों से पूछती हूँ बेटा ये शब्द और पद क्या होता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण देके समझाया है, जैसे हम गाय बोलते हैं तो वह शब्द है। जब मैंने अकेला गाय बोला, उसके पहले बाद में कोई शब्द नहीं बोले, तो गाय शब्द है। लेकिन जब हम गाय को वाक्य में लिखते हैं या बोलते हैं, मीन्स गाय से पहले और बाद में कुछ ना कोई और शब्द लगते हैं, तो वो गाय शब्द ना रहकर पद बन जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, चाहे आपके हिंदी में क्वेश्चन आता है, संस्कृत में क्वेश्चन आता है, पद परिचय दीजिए, कभी भी ये नहीं आता शब्द परिचय दीजिए, पद। तो शब्द और पद में क्या अंतर है, ये जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, चाहे 10th क्लास के बच्चे के लिए, 9वीं क्लास के बच्चे के लिए, 8वीं के लिए, 7वीं के लिए, 6ठी के लिए, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम भाषा की बात करते हैं, हम आगे तभी पढ़ पाएंगे जब हमें उसके बेसिक्स, उसके आधारभूत ज्ञान होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको अभी बताया शब्द और पद में क्या अंतर है। अब अगला है, क्रिया किसे कहते हैं। आप कहने को पहली दूसरी क्लास क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर फिर भी यदि किसी से पूछा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो क्रिया के बारे में एकदम से सही जवाब देंगे फटाफट से। तो यहाँ
आपको बताया गया, वाक्य के जिस पद से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया मीन्स काम, रट लीजिए, क्रिया का मतलब काम। अब बताइए काम कौन करता है? काम को करने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। तो अब जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने दिया है, कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, या जिसके बारे में बात की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें बेटा आपको काम करने वाला बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नज़र नहीं आता, तो हम फिर ढूंढते हैं कि इस वाक्य में बात किसके बारे में हो रही है। जैसे मैंने वाक्य बोला राम भोजन करता है, तो इसमें तो साफ पता चल रहा है राम भोजन खाता है, खाने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है? राम। ठीक है जी, अब मैं कहती हूँ मान लीजिए अरे दूध तो खराब हो गया, अब इसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा काम कौन कर रहा है, तो अब मुझे सोचेंगे कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, दूध के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर दूध जो है करता होगा। ठीक, अब मैंने एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर रेड पेन से एरो का निशान डाल के, एरो का निशान मतलब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है क्रिया। बेटा मैं बच्चों को बार बार कहती हूँ, आप सब ने सौर मंडल पढ़ा होगा SST में ज़रूर, सौर मंडल या सोलर सिस्टम। जैसे सौर मंडल का या सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य होता है ना, सभी ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, ऐसे वाक्य में क्रिया जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वाक्य के बाकी सब जो शब्द होते हैं, वाक्य के सभी हिस्से जो हैं वो क्रिया से किसी ना किसी रूप से संबंधित होते हैं, जो अब आगे हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। अब ये भी मैंने बता दिया, अभी काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब हिंदी में क्रिया काम करने वाले शब्दों के लिए हम क्रिया पद यूज़ करते हैं, मगर बच्चों हम यहाँ क्लास ले रहे हैं संस्कृत विषय की। संस्कृत भाषा में हिंदी के क्रिया पदों के लिए धातु रूपों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धातु रूपों का प्रयोग होता है। किसी भी क्रिया को करने वाला कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है। सभी कर्ता पदों को तीन पुरुषों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये पुरुष को आपने इंग्लिश में पढ़ा है पर्सन, आपने इंग्लिश में पढ़े हैं ये चीज़, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम नाम वही हैं, मगर जो इंग्लिश का कंटेंट है कि वहाँ फर्स्ट पर्सन कौन सा है, वो संस्कृत का प्रथम पुरुष नहीं है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि प्रथम पुरुष में कौन आएंगे, मध्यम पुरुष में कौन आएंगे और उत्तम पुरुष में कौन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितना तुम्हें भाषा और भाषा के जो प्रमुख अवयव हैं, अवयव मतलब अंग हैं कि भाषा किससे बनती है, वो आपको क्लियर कर पाई होंगी। आप सब इस काम को अपनी नोटबुक में आज की डेट पर नोट कर लें आज के क्लास वर्क में। ठीक है बच्चों, और अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है। हम इन बेसिक चीज़ों को जानेंगे तभी हम आगे संस्कृत में अनुवाद को कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।